लगातार। इस समय दोस्तों मैं शिवपुल पे हूँ और शिवपुल से अभी मैं आपको हर की पौड़ी क्षेत्र के पास ले चलूँगा, जो पवित्र घाट है हर की पौड़ी क्षेत्र का। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और लगातार श्रद्धालु देख सकते हैं आप गंगा जल लेके अपने अपने गंतव्य को जाते हुए। इस समय मैं शिवपुल पे हूँ और शिवपुल से आप ये सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग जो हर की पौड़ी क्षेत्र के पवित्र घाट हैं, ब्रह्मकुंड घाट और महिला घाट, मालवीय घाट, उसके आसपास पहुंच जाएंगे। फिर मैं वहां के आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। अभी तो आप ये शिवपुल से देख रहे हैं और ऐसा कुछ दृश्य है इधर, ये सुभाष घाट का, सुभाष घाट का दृश्य देखे आप। ऐसा कुछ दृश्य है हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास का। माँ गंगा जी के आप दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर करें, ताकि सभी लोग घर बैठे माँ गंगा जी के दर्शन कर पाएँ और इस पवित्र कांवड़ यात्रा के भी दर्शन कर पाएँ। ऐसा कुछ दृश्य, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हर की पौड़ी क्षेत्र का। मैं इस समय शिवपुल पे हूँ दोस्तों और शिवपुल से कुछ ऐसा दृश्य है हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास का, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, इधर अगर आप जाते हैं दोस्तों, ये लोहे का जो ब्रिज है, यहाँ से इसको क्रॉस करके अगर आप आगे जाते हैं तो आप सुभाष घाट पे पहुँच जाएंगे। सुभाष घाट होते हुए आप कुशावर्त घाट पे जा सकते हैं और कुशावर्त घाट से आप राइट टर्न करेंगे तो सीधा माँ मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य आज हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास का, सुबह के लगभग 8:25 हो रहे हैं और इस समय मैं आपको माँ गंगा जी के और हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास के सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हो सकता है आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो तो उसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इस समय दोस्तों नाई घाट पे हूँ, हर की पौड़ी क्षेत्र का एक बहुत ही पवित्र घाट नाई घाट। सामने आप देख सकते हैं ये भगीरथ सेतु है, ये भगीरथ सेतु और जस्ट सामने जो है ये नाई घाट है दोस्तों। और श्रद्धालु लगातार माँ गंगा जी में स्नान करते हुए माँ की कल धारा लगातार बहती हुई देख सकते हैं आप। सामने श्रद्धालु लगातार स्नान करते हुए और इस साइड भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं, कांवड़ यात्री बहुत सारे पूजा पाठ करते हुए देख सकते हैं आप। और पूजा अर्चना करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थानों को जाएंगे श्रद्धालु, देख सकते हैं आप। ये छोटी छोटी कैंस में इन्होंने जल भरा हुआ है और जल अभी ये अपनी कांवड़ में रख के और अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत दृश्य और भक्तिमय दृश्य है इस समय हर की पौड़ी क्षेत्र का, बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी है दोस्तों कि आप माँ गंगा जी की पवित्रता और मर्यादा का पूरा ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जितना भी आपका डस्ट है उसको डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर सीढ़ियों पे या घाटों पर ना फैलाएं। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर सुंदर कांवड़ हैं और लगभग हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास के सभी घाट कांवड़ श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। और यहाँ पर भी ये कुछ श्रद्धालु हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो लोग कहाँ से आए। जय बोलेगी, बोल बोलेगी बम, जिला बुलंदशहर, गांव जीराज, पोस्ट अहमदगढ़, तहसील शिकारपुर, थाना पासो। बोल बोले की बम्बे, बोल बोले की बम्बे, बोल बोले की बम्बे, बोल बोले की बम्बे। कब आए थे आप लोग? हम आए 3 दिन से हैं यहाँ पर। 3 दिन से? हाँ। अभी आप जाएंगे, कब तक पहुँच जाएंगे आप लोग? हम पहुँच जाएंगे 16 तारीख को। 16 तारीख? हाँ। जल चढ़ा देंगे, जल चढ़ा देंगे। आपने जल वल भर लिया? हाँ, भर लिया। अब जाने की तैयारी? हाँ, जाने की तैयारी। ये देख रहे हो मेरा सामने, आपके सामने जल भर लिया। तू बोले जूतन को साइड में करो, साइड में पूरा ध्यान रखो आप लोग, इतनी भक्ति से। ठीक है सर।
ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नाई घाट से। अभी हर की पौड़ी क्षेत्र का जो पवित्र घाट है ब्रह्मकुंड घाट और महिला घाट, उधर चलते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है आज नाई घाट का। श्रद्धालु लगातार हर की पौड़ी क्षेत्र पे और उसके आसपास के घाटों पर स्नान करने के लिए और गंगा जल लेने के लिए आते हुए और लगातार गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाते हुए देख सकते हैं आप। श्रद्धालु ज़बरदस्त भीड़ है और इतना धार्मिक और बहुत ही अच्छा माहौल है। सामने ये धनुष ब्रिज, आइए आगे चलते हैं। सामने आप देख रहे दोस्तों ये संजय ब्रिज है, संजय पुल, जो कि हर की पौड़ी क्षेत्र का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक जाता है। और अगर आप राइट साइड में आते हैं तो ये मालवीय घाट घंटाघर घाट है, और अगर आप आगे की तरफ जाते हैं और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये नाई घाट है, और ब्रिज से अगर राइट हैंड पे जाते हैं तो ब्रह्मकुंड घाट और महिला घाट है। और अगर आप माँ मनसा देवी जाना चाहते हैं तो इस ब्रिज से सीधा आप जाएं मार्केट में और सामने आप माँ मनसा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है आज हर की पौड़ी। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, माँ की पवित्रता को बनाए रहें, मर्यादा को बनाए रहें। आप पूजा पाठ करें, आस्था, ये सब अच्छा है, लेकिन इन पॉलीथीन्स को और जो भी आपका डस्ट है वो डस्टबिन में डालें। घाटों पर बहुत सारे डस्टबिन हैं, ऐसे घाटों पर ना फैलाएं, सीढ़ियों पर और घाटों पर इन कूड़े को ना डालें, प्रॉपर डस्टबिन में डालें और माँ की पवित्रता और मर्यादा का पूरा ध्यान रखें। लापरवाही बिल्कुल ना करें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। मैं इस समय दोस्तों हर की पौड़ी क्षेत्र के ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने हूँ, और इस समय आप सामने आप जो देख रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट है दोस्तों, जहाँ पर माँ गंगा जी की सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है। संध्या आरती बहुत ही भव्य होती है। अगर आप हर की पौड़ी क्षेत्र हरिद्वार के आसपास हैं तो संध्या आरती देखने ज़रूर आए। और जस्ट बगल में जो ये आप देख रहे हैं ये अस्थि प्रवाह घाट है, जहाँ पर श्रद्धालु अपने परिजनों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए आते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है आज हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास के घाटों का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा चल रही है, शरदीय कांवड़ यात्रा, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की संख्या, देख सकते हैं आप। लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह से भरे हुए हैं।